डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं पीएस तिवारी, फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन आपको सुबह 8 बजे लाइव क्लास में मिलती है। जो भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है बीच में, उस पर आप ध्यान ना दीजिए, अपन उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो जो भी त्रुटियाँ रहें उसको इग्नोर करते हुए आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें, ठीक है? आपको हमने कल जो टॉपिक पढ़ाया था वो मेरा टॉपिक क्या था, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर था। आज अपन उसी के आगे एक नया टॉपिक लेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। तो हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में, विद्युत धारिता के बारे में। तो सबसे पहले विद्युत धारिता क्या है, जब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो इसको पहले अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जब हम इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब किसी बर्तन में द्रव डालते हैं, किसी बर्तन में द्रव डालते हैं तो उसका तल क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सपोज दैट एक आपका बीकर ग्लास है, इस ग्लास में हम क्या करते हैं, कुछ द्रव डालते हैं। द्रव मतलब लिक्विड, वाटर सेल, मिल्क है, आयल्स है, एनी लिक्विड, कोई लिक्विड डालते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, विद्युत धारिता क्या होता रहा कि जब हम किसी बर्तन में द्रव डालते हैं उसका तल क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है? जब हम किसी बर्तन में द्रव डालते हैं तो उसका तल क्या होता है, उसका प्लेन होता है तो बढ़ने लगता है। जब द्रव डालने पर तल बढ़ता है, अथवा ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक कमरा है, इस मकान में इसका मकान रूम के अंदर क्या करेंगे अपन, ऊष्मा देंगे। जब इसके अंदर कुछ हीट ऊष्मा देते हैं, इसके अंदर आपकी हीट जा रही है, तो जब हीट आती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, समझिएगा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी बर्तन में द्रव डालने पर उसका तल बढ़ता है, बर्तन में अपन द्रव डाल रहे हैं, समझिए बर्तन में क्या डाल रहे हैं, द्रव डाल रहे हैं, इसका तल क्या होगा, बढ़ जा सकता है, बढ़ता है। अथवा अगर अपन किसी कमरे में ऊष्मा जाती है, ठीक है, लिखा है ना कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ने लगता है, ठीक है? तो कमरे में अगर ऊष्मा देंगे तो उस कमरे के टेम्परेचर बढ़ेगा। या अपन कोई सब्सटेंस लेते हैं, सब्सटेंस में जैसे मान लीजिए आप इसका, हम आपको एग्जाम्पल दिए थे आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल, कि अगर आइसक्रीम आपके पास आपके हैंड में, या आपकी आइसक्रीम है ये आपके हैंड में है, जैसे आप इसको अपने हैंड फिंगर से अपने बॉडी में टच करते हैं तो क्या होता है, जब इसमें अपन हीट बॉडी क्या होता है, हीट जाता है, तो आइसक्रीम क्या होती है, आइसक्रीम आपकी पिघलने लगती है, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए कि जब किसी बर्तन में द्रव डालते हैं तो उसका क्या बढ़ता है, द्रव डालने पर क्या है, तल बढ़ता है, द्रव डालने पर तल बढ़ता है। अथवा किसी पदार्थ को ऊष्मा हीट देने पर, ऊष्मा देने पर क्या होता है, ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ताप बढ़ता है, समझिएगा। तो यहाँ पे अपन क्या बताएंगे कि जिस प्रकार से किसी बर्तन में द्रव डालने पर उसका ताप है, उसका तल बढ़ता है, अथवा किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ता है, उसी प्रकार से किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ने लगता है। तो अगर आपके पास कोई चालक हो, कंडक्टर हो, उस कंडक्टर को अपन क्या करेंगे, आवेश देंगे। जब आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होता है, विभव बढ़ने लगता है, विभव क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इससे क्या स्पष्ट, इससे क्या क्लियर हुआ, फिर से रिपीट करें, अपने माइंड में माइंड करिएगा, क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी बर्तन में द्रव डालने पर, इस बर्तन में हमने क्या डाला, ये कुछ द्रव डाल दिया, लिक्विड डालते हैं, द्रव डालने पर क्या होता है, बर्तन का तल बढ़ने लगता है। जिस प्रकार से किसी बर्तन में द्रव डालने पर बर्तन का तल बढ़ने लगता है, अथवा किसी सब्सटेंस, किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर, मैंने बताया किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर
उसका ताप बढ़ता है। उसी प्रकार से किसी चालक किसी कंडक्टर को आदेश देने पर भी उसका विभव बढ़ने लगता है। समझ गए, किसी भी चालक को जो आदेश देंगे तो चालक को आदेश देने पर विभव क्या होता है, बढ़ता है। यही हमारी विद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरेट होता है कि किसी चालक को आदेश देने पर विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा दो नाना दीप क्या जाएंगे। किसी भी चालक को आदेश देने पर उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तो हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब अपन इसको ऐसे बता सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, अभी आपको लिखना नहीं समझना है, बाद में लिखाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। इससे क्या आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अगर कोई पूछे कि विद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट आप कैसे समझाएं, क्या बताएंगे कि जिस प्रकार से हम यदि किसी बर्तन में द्रव डालते हैं तो बर्तन का तल बढ़ने लगता है, अथवा जब किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो वह वस्तु का टेम्परेचर तापमान बढ़ने लगता है। उसी प्रकार से यदि किसी चालक पदार्थ को चार्ज देते हैं आवेश देते हैं तो उसका पोटेंशियल अर्थात विभव भी बढ़ने लगता है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं तो क्या बताया गया है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि जो आपका चार्ज होता है वह पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये आपका क्यू क्या है, क्यू आपका क्या है चार्ज ऑफ पार्टिकल और भी क्या आपका पोटेंशियल ऑफ टू प्लेटेड कंडक्टर। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच का दो प्लेट के बीच का विभव भी है, चार्ज आपका आवेश क्या की है। हमने क्या बताया, इससे क्या सिद्ध हो रहा कि जो आपका चार्ज है वह पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो रहा, अगर क्यू का मान बढ़ेगा तो घी का मान बढ़ेगा और क्यू का मान घटेगा तो घी का मान घटेगा। यानी क्यू क्यू पर डिपेंड होगा पोटेंशियल कह सकते हैं, या पोटेंशियल पर डिपेंड होगा क्यू, क्यू का मान बढ़ा घी का मान बढ़ा, घी का मान बढ़ा क्यू का मान बढ़ा। यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एक आंसर समझ में आया। अगर अपन इसी को इक्वलिटी कर दें, इक्वलिटी करें क्या हो जाएगा, क्यू विल इक्वल टू सी वी, क्या हो जाएगा क्यू विल इक्वल टू सी वी, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या लग जाएगा सी। सी क्या आपका कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि Q क्या है, C क्या है और V क्या है। तो V क्या है, V बताएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेटेड, V आपका क्या है लिख देंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, बिटवीन टू प्लेट मतलब कि भी क्या है दो प्लेटों के बीच का विभवांतर, भी क्या है दो प्लेटों के बीच का विभवांतर है। इंग्लिश लिख दें, सॉरी हिंदी में लिख दें, चलिए इसको लिख लीजिए, आप लोग हिंदी में लिखना चाहेंगे तो, अभी आप समझा रहे हैं लिखना नहीं है। तो भी क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, दो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। सी क्या है चार्ज ऑफ प्लेट, सी क्या आपका चार्ज ऑफ प्लेट, प्लेट का आवेश है। और क्यू सॉरी क्यू आपका क्या है चार्ज ऑफ प्लेट है, चार्ज ऑफ प्लेट है। और सी आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, यानी क्या है नियतांक है अनुक्रमानुपाती। तो फार्मूला क्या बना, की इक्वल टू सी वी। अब अपन इसको ऐसे देखें तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखेंगे C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान भी, यानी भी आ जाएगा बटे में इसी से निकलेगी विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डिफिनेशन। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने पहले अनुपातिक लिया, पहले कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जिस प्रकार से किसी बर्तन में द्रव डालते हैं तो उसका तल बढ़ता है, अथवा किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। इसी प्रकार से जब अपन किसी चालक को आदेश देते हैं तो आदेश देने पर उसका विभव बढ़ता है। फिर अपन देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, यानी क्यू बढ़ाने पर भी बढ़ेगा अथवा भी बढ़ाने पर क्यू बढ़ेगा। हमने बता दिया क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, सी किसको करता है और भी किसको करता है। अब इसको अपन देखेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होती भी,
सी कांस्टेंट है, तो जब सी का मान निकालेंगे तो भी बटे में आ जाएगा, तो सी विल बी इक्वल टू की अपान भी। तो यहाँ पे एक इसकी ब्यूटीफुल डिफिनेशन, सुंदर परिभाषा क्या निकलेगी, अगर आप सार संक्षेप में कहना चाहें तो आदेश क्यू आपका आदेश है, भी आपका विभव है, तो वृद्धि हो रही दोनों में, तो आदेश में वृद्धि और विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, सी मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस विद्युत धारिता कहते हैं। परिभाषा समझ आई, क्या बता रहे हैं कि क्यू और भी का जो रेशियो है, तो अपन क्या लिखेंगे, ग्रोथ ऑफ चार्ज एंड ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल, इट इज नोन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो लिखिए इसकी परिभाषा, अब आप लोग कॉपी पर निकालिए, यहाँ से इसकी डिफिनेशन निकाल लिखिए, बहुत ही मोस्ट डिफिनेशन इसकी है, तो आप लोग लिखिए जो आपको पेपर में आती है, स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रही होगी और आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बोल रहे हैं लिखिए, किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से, किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है, किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे, जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। लिख गया, स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब अपन लिख सकते हैं फार्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में, C इक्वल टू क्यू अपान भी, हमने ये सिद्ध कर चुका है, सूत्र के रूप में C इक्वल टू क्यू अपान भी, ठीक है। फिर आगे लिखिए C इक्वल टू क्यू अपान भी, आगे लिखिए यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आप कैसे कहेंगे कि अदिश राशि, हम आपको प्रूफ भी कर देते हैं, फार्मूले से बताएं कैसे अदिश राशि। देखिए क्यू आपका क्या है, आवेश, आवेश कैसी राशि है, अदिश स्केलर क्वांटिटी। भी क्या आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसी आपकी राशि है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो C इक्वल टू आवेश अपान विभव, तो अदिश में अदिश का भाग करेंगे तो क्या आएगा, अदिश ही आएगा ना, स्केलर अपान स्केलर विल इक्वल टू स्केलर, तो अदिश में अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी अपान स्केलर क्वांटिटी डिवाइडेड जब करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी, तो अदिश बटे अदिश बराबर अदिश। अतः हम कह सकते हैं कि C क्या है आपकी, एक अदिश राशि। बोले तो विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैसी राशि आपकी, अदिश राशि। समझ में आ रहा, ये अगर हाँ यस तो आप कमेंट बताएं, हमको समझ आ रहा, ठीक है। तो कोई पूछे कि विद्युत धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि, कैसे अदिश सिद्ध करो, तो बताओ तो भाई किसमें क्यू आपका आदेश भी अदिश है, भी आपका पोटेंशियल भी अदिश है, जब अदिश का अदिश में भाग देंगे तो क्या आएगा, अदिश आएगा, ठीक। सूत्र क्या होता है इसका, सी इक्वल टू की अपान भी होता है। अब अपन इसी से इसका मात्रक निकालेंगे, तो फार्मूला डिराइव करिए, तो निकालिए मात्रक क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल मात्रक लेंगे तो C इक्वल टू क्यू आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, बस यहाँ पे हिंदी लिख गया, फिर डिफिनेशन लिख लेंगे आप लोग, कूलाम। विभव का मात्रक क्या होता है, बोल। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, C इक्वल टू कहेंगे कूलाम पर बोल्ट, क्या बनेगा, कूलाम पर बोल्ट। कोई पूछे कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, कूलाम पर वोल्ट। लेकिन अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक इसका क्या है, फैरड। एसआई मात्रक क्या है, इसके एसआई यूनिट फैरड है, क्या है, फैरड, इसे एफ दर्शाते हैं। फैरड क्यों है, तो आपको बताया था कि जो विद्युत बल रेखा की खोज किए थे माइकल फैराडे, उन्होंने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में भी किया है, तो उनके सम्मान में उनके नाम के क्या रखा गया, माइकल फैराडे से इसका एसआई मात्रक दिया गया, फैरड। फैराडे से क्या बन गया आपका, फैरड। तो इसका एसआई मात्रक फैरड, लेकिन नॉर्मल लेने कूलाम पर वोल्ट। जब इसी को अपन जब सीजीएस में चेंज करेंगे तो आपको पता है सीजीएस में क्या रहता है, जो नॉर्मल होता है उसमें क्या लग जाता है, स्थायर, क्या लग जाता है, स्थायर। इसी में लगा दीजिए आप स्थायर, इसकी सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगी, स्थायर फैरड, क्या बन जाएगी, स्थायर, एस पी एट स्थायर
फैरड एफ ए आर ए डी राइट। तो एसआई यूनिट फैरड, सीजीएस यूनिट स्फेयर फैरड, नॉर्मल यूनिट कूलाम पर वोल्ट, फार्मूला क्यू अपॉन वी, कैसी क्वांटिटीज अधिक क्वांटिटीज क्यों है, क्योंकि हमने कूलाम और सॉरी चार्ज और पोटेंशियल दोनों क्या है स्केलर है, स्केलर अपॉन स्केलर इक्वल टू स्केलर। ठीक, अब अपन इसी में कुछ और बात करेंगे, इसमें कुछ छोटे मात्रक होते हैं, छोटे मात्रक की बात करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट फैरड है। अब अपन फैरड को बदलेंगे, जैसे कोई बोले आपसे कि 1 मिली फैरड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जैसे 1 मिली फैरड का मान कितना होगा, तो बताइए आप ही 1 मिली फैरड का मान होगा 10^-3 फैरड, क्या होगा 10^-3 फैरड। 1 माइक्रो फैरड का मान क्या होगा 10^-6 फैरड। 1 नैनो फैरड का मान क्या होगा 10^-9 फैरड। 1 पिको फैरड या माइक्रो माइक्रो फैरड का मान क्या होगा 10^-12 फैरड। 1 फर्मी फैरड का मान क्या होगा 10^-15 फैरड। हमने आपको कोचिंग में जवाब लेने बताते थे, आपको बताए हैं कई बार कॉन्सेप्ट ट्रिक बताए हैं, ट्रिक आपको याद होगा मिली वाइन नैनो से पिको पढ़ाई, उस ट्रिक के आधार पर आप इसको वेरीफाई करिए। बाकी जिनको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको ऑन द क्लास बताऊंगा डिटेल से कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में स्टार्टिंग के 3 बहुत ही मोस्ट जो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, मैक्सिमम इसको देता है कि 1 माइक्रो फैरड 1 माइक्रो फैरड का मान कितना होता है 10^-6 फैरड। समझ में आया, अगर आ रहा है तो कमेंट करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डायमेंशनल फार्मूले के बारे में कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो निकालिए आप लोग डायमेंशनल फार्मूला, हम तो चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं बट आपको साथ हम भी कर रहे हैं आप भी निकालिए। तो क्या होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो देखिए इसका जो नॉर्मल फार्मूला था सी इक्वल टू क्या हमने पढ़ा अभी सी इक्वल टू क्यू अपान भी। तो आपको क्यू का डायमेंशनल फार्मूला याद है, हमने आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाया, फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था कि इक्वल टू क्या होता है, आवेश का फार्मूला क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है बताइए, धारा गुणे समय। तो इसका होता है एटी, आवेश का क्या होता है एटी, क्योंकि करंट जो होता है आपका तो करंट इक्वल टू क्या होता है कि इक्वल टू आई टी, आवेश बराबर एक मिनट यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा, इसका डायमेंशनल फार्मूला जब आपका चार्ज है तो चार्ज का क्या हो जाएगा एटी राइट। ठीक है, एटी होता है सही है, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है आपका एटी, क्योंकि फार्मूला का तो धारा गुणा समय, तो करंट का एम्पियर टाइम का टी क्या बन जाएगा एटी। ठीक, हमने निकाला किसका चार्ज का, फिर आप यही देखिए चार्ज के साथ साथ नीचे क्या है पोटेंशियल है, क्या है आपका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल V का फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा है, विभव बराबर क्या होता है कार्य बटे आवेश, विभव बराबर क्या होता है कार्य बटे आवेश वर्क अपान चार्ज। तो इसको निकालिए, तो V इक्वल टू वर्क का फार्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो आप वर्क का निकालिए, वर्क इक्वल टू क्या होता है देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा कमेंट कीजिए, हम आपको 30 सेकंड का टाइम दिए हैं, आप हमें वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। ठीक है, जिनका कमेंट आया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो देखिए वर्क का क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है या में एल टी पावर माइनस टू, ठीक है, और डिस्टेंस का एल, तो क्या बन जाएगा इसका वर्क इक्वल टू यामियल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। तो यहां रख देंगे वर्क का यामियल स्क्वायर टी पावर माइनस टू राइट, वर्क निकालते बन जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो निकाल लेंगे बाकी हमने पहले बता चुका है। अब अपान क्या है इसके क्यू, तो क्यू का ऑलरेडी हमने निकाला क्यू अपान भी, तो क्यू का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एटी, क्या होता है एटी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है सी इक्वल टू क्यू अपान भी, तो क्यू का हमने क्या निकाला क्यू का एटी निकाला, इसको आप लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं भी की, हम नीचे कैरेज करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो भी कभी निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे भी का, देखिए क्या हो जाएगा भी इक्वल टू एम एल स्क्वायर
टी पावर माइनस टू, इसको ऊपर ले जाएंगे, ए की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन, क्योंकि नियम पता है डिवाइड में है, पावर पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए टी पावर माइनस टू, यहाँ पे वन है, तो अगर बेस इक्वल है तो इंडेक्स आपस उड़ती है, आधार समान तो घातांक आपस में क्या होती है जुड़ जाती, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा टी पावर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए पावर माइनस वन हो जाएगा, तो भी का डायमेंशन फार्मूला आपका दिस, तो इसको यहाँ पे कर दीजिए तो क्यू अपान क्या होता है भी, तो हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन, राइट। और इसको सॉल्व करिए तो सी इक्वल टू ए टी रहेगा ही, इसको आप ऊपर ले जाइए तो एम पावर माइनस वन एल पावर माइनस टू टी पावर माइनस थ्री ए पावर सॉरी टी पावर थ्री ए पावर वन, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया। अब इसको रीअरेंज करिए तो पहले एम टी एम पावर माइनस वन, फिर एल टी एल पावर माइनस टू, फिर टी, फिर टी की पावर यहाँ थ्री है, यहाँ वन है, थ्री वन क्या हो जाएगा फोर, फिर ए, ए की पावर वन और वन टू, तो क्या बन जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला एन इनवर्स एल पावर माइनस टू टी की पावर फोर ए स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए क्या सही आया है, हम भी देख लें कहीं गलत तो नहीं है, एम इनवर्स एल पावर माइनस टू टी पावर फोर ए स्क्वायर, राइट। तो आपका फार्मूला आ गया, सभी को वेरी गुड, ठीक है, इसको आप नोट करिए, ये था आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम इसी में आगे बात करें, पहले इसको नोट करिए, जब आपका नोट हो जाएगा तो आप हमें बताइए, इसके बाद हम इसी में आगे बात करेंगे कि किन किन कारक पर निर्भर करता है, इसके ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आ सकते हैं। हो गया सभी को नोट, हो गया यहाँ तक, हम बात करें आगे इसमें, यहाँ तक सभी को हो गया, अगर हो गया हो तो आगे की में आप लोग हेडिंग डालिए कि चालक की विद्युत धारिता प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, लिखिए चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टर, चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है, तो लिखिए चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, फर्स्ट नंबर लिखिएगा, फर्स्ट नंबर डालिए चालक के क्षेत्रफल पर, फर्स्ट है आपका चालक के क्षेत्रफल पर एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक के क्षेत्रफल पर एरिया कंडक्टर, अब इसमें एक्सप्लेन लिख लीजिए, देखिए चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने पर के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विभव कम हो जाता है, नोट करिए चालक के तल का क्षेत्र बढ़ाने पर उसका विभव कम हो जाता है, विभव कम हो जाता है अर्थात विद्युत धारिता बढ़ जाती है, अर्थात विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस
विद्युत धारिता बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे दो अव्यक्तिक क्वेश्चन निकलेंगे। पहला चीज, इस देखिए कि चालक की विद्युत धारा को पहचानने वाला कारक है, तो एक आप कह रहे हैं चालक का क्षेत्रफल। दूसरा, चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो विभव पर क्या असर पड़ता है, एरिया इंक्रीज करने पर इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है। एरिया बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक। जब पोटेंशियल घटेगा तो क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूत्र होता है इक्वल टू की अपान भी, इस सूत्र के अकॉर्डिंग विद्युत धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक। तो विद्युत धारिता बढ़ जाती है। फिर लिखिए इसी में सेकंड नंबर, लिखिएगा सेकंड नंबर इसमें है, आदेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। ये समझ में आ गया ना, पहला क्या है, कार्य करने वाला कारक क्षेत्रफल, चालक के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं यानी एरिया बढ़ाते हैं तो विभव क्या होता, घटता है, पोटेंशियल आपका घटेगा, और पोटेंशियल घटेगा तो विद्युत धारिता बढ़ेगी, क्योंकि सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू की अपान वी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो कोई पूछे कि ये पोटेंशियल घटता है तो विद्युत धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक, या क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो विभव क्या होता है, घट जाता है। फिर लिखिए आप इसी में, इसी के आगे लिखिएगा, आदेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थित पर, आदेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थित पर, सेकंड नंबर है, आदेशित चालक के समीप अन्य चालक की, अन्य चालक की उपस्थित पर, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं कि आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थित पर, यानी कि आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है और उसी के पास एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थित पर, लिखिए आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थित से उसका विभव कम हो जाता है। इसमें भी वही है, आदेशित चालक के समीप यानी पास अन्य चालक लाने पर या अन्य चालक की उपस्थिति से अन्य चालक की उपस्थिति से उसका विभव कम हो जाता है, उपस्थिति से उसका विभव कम हो जाता है। आप ध्यान देंगे कि ये क्षेत्रफल बढ़ाते थे पहले वाले में, क्षेत्रफल बढ़ाने से भी इसका विभव क्या हुआ था, कम हो गया था। यहाँ पे ध्यान देंगे कि आवेशित चालक के समीप दूसरा चालक लाने पर या उपस्थित होने पर भी उसका विभव क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता था कि आपकी जो विद्युत धारिता थी क्या होती थी, विद्युत धारिता बढ़ जाती थी। इसमें भी क्या होगा, उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाएगी। लिखिए, अतः इसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है, अतः इसकी भी विद्युत धारिता बढ़ जाती है, इसकी भी विद्युत धारिता बढ़ जाती। ध्यान दीजिए, बहुत ही है, दोनों में क्या हो रहा कि जो आपका टॉपिक हेडिंग है उसमें क्षेत्र बढ़ाया तो विभव घट गया, विद्युत धारिता बढ़ गई थी। सेकंड वाले में देखिए, आदेशित चालक के पास दूसरा चालक लाते, इस पर प्रैक्टिकली समझाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो चालक हैं, एक मोबाइल आपका, एक मार्कर। तो मार्कर आपका आदेशित चालक, इसके पास से दूसरा चालक ले जा रहे हैं तो क्या होगा कि जो इसका विभव था, पोटेंशियल क्या होगा, डाउन होगा। मान लीजिए 5 वोल्ट था तो 5 वोल्ट से कितना हो गया, 3 वोल्ट घटा, विभव क्या हो रहा, घट जाएगा। और जब भी विभव घटेगा तो विद्युत धारिता क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ेगी। जब विभव घटेगा तो विद्युत धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसमें थर्ड नंबर डालिए, थर्ड टॉपिक आपका इसी में है, चालक के परिचय माध्यम पर, चालक के परिचय माध्यम पर, थर्ड हेडिंग है, चालक के परिचय माध्यम पर, चालक के परिचय माध्यम पर,
एट मीडियम सराउंडिंग ऑफ कंडक्टर, चालक के पर क्या माध्यम पर, इसमें बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा, चालक के पर क्या माध्यम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लिखिए चालक के पहते के परावर्तन का माध्यम होने पर उसकी विद्युत धारिता कम हो जाती है। चालक के पहते के परावर्तन का माध्यम होने पर चालक के पहते के परावर्तन, के परावर्तन मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने पर उसकी विद्युत धारिता, उसकी विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसकी विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। यदि कि कुल मिला के अगर आप देखेंगे इसके तीनों केस में क्या आया है, सभी केस में विद्युत धारिता बढ़ी। कॉन्सेप्ट समझिएगा, हमने लिखा भी दिया, समझा रहे फिर से। पहला क्या था, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर क्या हुआ था, क्षेत्रफल बढ़ाते थे विभव घटता था, विद्युत धारिता बढ़ जाती थी। दूसरा क्या था, चालक के पास दूसरा चालक लाते थे तो उसका विभव बढ़ता था, विद्युत धारिता बढ़ जाती थी। तीसरा क्या है कि चालक के पर पुनः माध्यम लाते हैं तो उसके पर तो कोई माध्यम होता है तो पुनः क्या होता है, इसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। दिमाग में आपको फीड करना माइंड में कि तीनों केस में क्या होती है कि उसकी विद्युत धारिता बढ़ती है, ठीक है, विद्युत धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, आज का टॉपिक हमारे यहीं से कंप्लीट करते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको समझ आ रहा तो आप प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब आप सभी को धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।